किसान भाइयों, मुर्गी में विषाणु जनित रोगों का प्रकोप अत्यधिक देखने को मिलता है और इसका एक बार संक्रमण आपके फार्म को काफ़ी क्षति पहुंचा सकता है। अतः इनसे बचाव के लिए आप चूजा आप जिस दिन लाते हैं उसके प्रथम दिन मैडेक्स डिजीज़ के विरुद्ध HVT वैक्सीन जो 0.2 मिलीलीटर चमड़ी के नीचे हो उसको अवश्य दें। 2 से 5वें दिन के अंदर रानीखेत के विरुद्ध लसोटा स्ट्रेन का टीका अपनी मुर्गियों को अवश्य दें। फिर पुनः 14वें दिन गम्बोरो डिजीज से बचाव के लिए IBD वैक्सीन्स का इस्तेमाल करें जो एक बूंद आँख में उसका ड्रॉप दिया जाता है। फिर पुनः 21वें दिन चेचक जिसको हम लोग फॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं उससे बचाव के लिए 0.2 मिलीलीटर दवा चमड़ी के नीचे या मांस में मुर्गियों को अवश्य दें। पुनः 28वें दिन रानीखेत से बचाव के लिए लसोटा स्ट्रेन का टीका रानीखेत के विरुद्ध अवश्य दें। फिर 9वें सप्ताह में रानीखेत का बूस्टर वैक्सीनेशन हम लोग करते हैं जिसमें 0.5 मिलीलीटर दवा हम लोग मुर्गियों को पंख के नीचे मांस में देते हैं। फिर हम पुनः फॉल पॉक्स से बचाने के लिए 12वें सप्ताह में उसके विरुद्ध टीकाकरण करते हैं जिसमें 0.2 मिलीलीटर दवा हम लोग मुर्गियों में मांस में या चमड़ी के नीचे देते हैं। इसके अलावा आप कोक्सीडियोसिस से बचाव के लिए अपने डीप लीटर सिस्टम में नमी की मात्रा बिल्कुल ना होने दें। अगर नमी की मात्रा हो जाती है या फिर आप देखते होंगे ये लक्षण कि जब आपकी मुर्गियाँ बीट में खून जैसा स्राव करने लगती हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी मुर्गियों में कोक्सीडियोसिस के लक्षण आ गए हैं। इससे बचाव के लिए आप सर्वप्रथम उन जो बीट्स को जो खून सने हों उसको उठाकर दूसरे जगह फेंक दें। उसके उपरांत जिनमें ये लक्षण दिखता हो उसको झुंड से अलग कर दें और एम्प्रोलियम दवा का प्रयोग पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें।